सुन रहे हो भाई साहब, पट 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 पट। आज की वीडियो होने वाली है ट्रायम्फ स्पीड 111050 की 1000 cc की मोटरसाइकिल है यार। सामान लगा हुआ है, रॉक एग्जॉस्ट वगैरह लगा है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, आपका फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, टैंक प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ। दिस इज़ अ 2014 मैनुफैक्चर 14 रजिस्टर्ड बाइक एंड सेकेंड ओनर बाइक है। एंड आस्किंग वगैरह बाद में बात करते हैं। दिल्ली नंबर की बाइक है, VVIP नंबर है भाई 77। सो सबसे पहली चीज़ इसको स्टार्ट कर लें, कितने किलोमीटर चली वो भी देख लेते हैं। मीटर बहुत सिक्स है, 22,000 किलोमीटर जो है बाइक चली हुई है। ओके सो साउंड समझ आ गई होगी आपको किस हिसाब से आ रही है। 2014 के हिसाब से बाइक बहुत ही ज़्यादा साफ है और मस्त है। नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने वाली लाइट भी लगा रखी है भाई साहब, अरे छोड़ना। तो वैसे तो बाइक अभी गर्म है, थोड़ी सी भी चला कर, बाकी ऑफिस वगैरह एरिया भी है तो यहाँ पे आवाज़ नहीं करेंगे। बाहर एक बार जाके आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ कैसी सी साउंड आ रही है। पहले भी मैंने ये बाइक चलाई भी है, सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला है, वैसे ट्रायम्फ की बाइक ज़्यादातर सारी बहुत ही अच्छी होती हैं एंड स्मूथ होती हैं, टू बी रियली प्रिसाइज। एंड ये भी उनमें से ही एक बाइक है। LED वगैरह लगी हुई आती है या इन्होंने लगाई है, बट लाइट काफ़ी सही पड़ रही है यार। बहुत ही अपराइट पोजीशन, बैक की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है, सो बहुत सही फील आ रही है भाई इसको बैठ के। पैरों की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, अब ये चला लो Z800 चला लो यार, मतलब एक मज़ा सा आ जाता है ऐसी बाइक के चला के। खास करके जो आपको एक 3 सिलेंडर की रिफाइनमेंट मिलती है, एक स्मूथनेस मिलती है भाई, वो तो वैसे ही एक 4 सिलेंडर और ज़्यादा हो जाता है, बट कोई कमी नहीं दिख रही भाई 3 और 4 के अंदर। जैसे मैं बोलूँ कि यार कुछ लग रहा हो कि यार नहीं है 3 है तो ये कम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकिंग इज़ नाइस, शॉकर्स इज़ नाइस, पटाखे मार रही है भाई साहब पूरे के पूरे, पट 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 मस्त पटाखे ले रही है। अमेजिंग यार, बंदे आप देख रहे हो कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बहुत ही लाउड बहुत ही मज़ेदार। तो ज़्यादा जैसे स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक्स होती हैं नीचे जो कि बहुत ज़्यादा हाथों पे लोड आता है आपका उन पे, यहाँ पे काफ़ी लोड आता है, बट इन बाइकों पे ऐसा लोड नहीं आता। मतलब ये हो गई Z800 हो गई, Z900 हो गई, ये ऐसी बाइक्स हैं भाई जिनको आँख बंद करके आप चलाओ, मज़ा आएगा आपको चला के। मतलब आप ऐसा फील नहीं करोगे कि भाई मैंने कोई गलती कर दी है, कुछ कर दिया। भाई पटाखे सुन रहे हो, पट 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 पट, ओए होए होए, क्या बैक फायर ले रही है यार। गियर्स बहुत इजीली लग रहे हैं, बहुत स्मूथली लग रहे हैं। हैंडलिंग इज नाइस, मेरे को लीन करनी आती नहीं है, वरना माँ कसम बड़ा मजा आ जाए इस रोड के ऊपर लीन करते हुए। बैक फायर बहुत ही सही तरीके से मार रहे भाई, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, एक पॉइंट रह गया, तो ज्यादा लंबा
ट्रिप टूर नहीं करेंगे भाई, थोड़ा छोटा ही मारेंगे। सो गाइस व्हाट आई एम थिंकिंग यार, आप लोग मुझे बताओ, मैं अपने थोड़े व्लॉग्स को चेंज करने की सोच रहा हूँ, तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं यार, थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोग सोचते हो, क्योंकि आप ऑडियंस हो, आप लोग देखते हो, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बता पाओगे कि क्या मुझे चेंज करना चाहिए, या मैं सही चला कर रहा हूँ नहीं कर रहा, क्या एक्चुअल में चेंज होना चाहिए, किस तरीके से ब्लॉग बनाने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें यार आप लोग अगर बता पाओ तो उससे बढ़िया बात नहीं हो पाएगी। सुन रहे हो ऐसा पट 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 पट, गलत है यार, जब उसको दिख रहा है पीछे से आ रहा हूं मैं, दे उठा के राइड पेल रहा है, ये बहुत गलत लगता है। आप देख रहे हो पीछे से एक चीज आ रही है, आपको डिपर भी दिया मैंने, सब कुछ दिया, इवन देन आप बिना देखे राइड मुड़ रहे हो, ये ट्रक वालों का बहुत गलत होता है हिसाब किताब यार। यूजुअली एक्सीडेंट्स भी इसी वजह से होते हैं, मैं तो चलो हल्के पे था उस टाइम, 40-50 पे ही था मैं, उससे ज़्यादा तो गया नहीं मतलब उस टाइम पे, बट नहीं करना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइक की हैंडलिंग बहुत सही है यार, पट 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 भाई साहब यार, एक अलग ही फील आ रही है इस बाइक को चला के। ये एक ऐसी बाइक है जैसे Z800 हो गई, Z900 हो गई, ये एक ऐसी बाइक है भाई, इनके ऊपर बैठ के आपको ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा महसूस होता है। आप कभी भी इस बाइक के अंदर ऐसा फील नहीं करोगे कि यार नहीं ये मुझसे नहीं चलने वाली या ये मुझसे नहीं संभल पाएगी। ये बाइक्स ऐसी हैं भाई, हमेशा आपको ये कॉन्फिडेंस ही बूस्टअप करेंगी, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स। सो गाइस दिस इज़ अप फॉर ग्रैब्स, मेरा तो मैंने भाई इसको 2-3 दिन के लिए मैं घर लेके जाऊँ, माँ कसम चलाऊँ इसको आराम से, क्योंकि जो इस बाइक की फील है ना, ओए होए 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 भाई साहब, देखो पिकअप देखोगे, ये देखो हंड्रेड तो ऐसे जाती है एक गोली की तरह, आप लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते भाई साहब कितनी रॉ पावर इसके अंदर दी हुई है, 1000 cc अल्टीमेट रॉ पावर। तो गाइस नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा इसका, सागर का या अंकित का, आप दोनों में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं और आप ये जो बाइक है उसको ले सकते हैं। सो फटाफट कॉल करो यार, अपनी जो डील है उसको क्रैक करो, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे आपको ये मिल रही है ना भाई साहब, बहुत मुश्किल है ऐसी बाइक को लेना। सो मिलते हैं अगले वॉक के अंदर, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।